प्रेमनगर में बीते रोज घर पर अकेली रहने वाली बुजुर्ग महिला की हत्या उसी चाकू से की गई जिससे वो सब्जी काट रही थी। मौके से पुलिस ने आधी कटी गोभी और शव के पास खून से सना चाकू बरामद किया। उधर गुरुवार रात तक हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका। फिलहाल प्रॉपर्टी के एंगल पर पुलिस फोकस कर रही है। देहरादून के प्रेमनगर विंग वन की सकरी गली में मंजीत कौर, उम्र 78 साल, अकेली रहती थी। वो FRI से रिटायर थी। उनका शव बुधवार रात घर पर मिला था। मंजीत के सिर के पास खून से सना चाकू मिला। पुलिस जांच में पता चला कि उनकी बड़ी बेटी बलविंदर कौर दिल्ली और छोटी बेटी इंदरप्रीत कौर फरीदाबाद में रहती हैं। इंदरप्रीत कौर रोजाना माँ को फ़ोन करती थी। उन्होंने बुधवार को फ़ोन किया लेकिन माँ ने फ़ोन नहीं उठाया। पड़ोसी को घर भेजा तो हत्या का पता चला। पुलिस जांच के दौरान घर पर अलग अलग जगह पर कई हजार रुपये रखे मिले। घर में गहने भी थे। इससे माना जा रहा है कि लूट के इरादे से हत्या नहीं हुई है। शव का पोस्टमार्टम में मौत का कारण गला रेतने से अत्यधिक खून बहने को बताया गया है। परिजनों के मुताबिक मंजीत को कभी कभी दौरे भी पड़ते थे। हालांकि घर पर मदद के लिए उन्होंने किसी को नहीं रखा था। पुलिस ने इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। अब तक हत्या की वजह का पता नहीं चल सका है। पुलिस प्रॉपर्टी के एंगल पर जांच कर रही है। पहाड़ की यादें, कुमाऊनी किस्से, हमारी संस्कृति, अनेक वन संपदा, अनेक पक्षी और पुराने दिन, इन सबको दिखाता है ये YouTube चैनल। आइए इस चैनल से जुड़ें, जिसका नाम है झूठे व्लॉग। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।